इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमिनाथ युवा मंडल शहडोल, जो इतने अभ्यस्त नहीं है फिर भी सीखेंगे, जैन लोग हैं करेंगे, बाहर से कोई आते हैं चौके वाले तो ठीक है, मठ से लगे हुए चौके में आहार नहीं करना, ऐसा समाचार आचार्य ने भिजवा दिया। परिणाम क्या निकला, जो कमजोर और जो डरने वाले लोग थे वहीं पर श्रम बेलगोला गांव में रहने वाले, उन्होंने भी धीरे धीरे चौका लगाना शुरू कर दिया और माताजियों का आहार जब सहजता से होने लगा तो उनमें उत्साह बढ़ने लगा, संस्कार पूरे परिवार को मिलने लगा। तो एक तो ये उपलब्धि हुई कि जैनी का विश्वास बढ़ने से उसके परिवार को संस्कार मिल जाते हैं, श्रद्धा तो परिवार रखते ही है, एक बात। दूसरी बात, बाहर के यात्री भी रुकने लगे और अपनी अपनी अनुकूलता से चौके की चर्या कराने लगे। भट्टारक जी को भी ये बात ख्याल में आ गई तो उन्होंने उसी समय से नियम ले लिया और वो हमेशा कहते कि प्रेरणा उस समय से मिली, उन्होंने अब मठ के द्रव्य से चौका लगवाने बंद कर दिए, चौके के रूप में ही दान स्वीकार करके व्यवस्था बनाने लगे हैं। इतना अंतर तो उन्होंने अपने यहां भी कर लिया जो अत्यंत आवश्यक माना जाता है। आहार दान के निमित्त से जो फंड आएगा, जो दान आएगा, उससे ही चौका लगेगा, मठ के पैसे से, मठ के द्रव्य से, मठ में कई तरह से दान होते हैं, उससे उस पैसे से कोई चौका नहीं लगेगा। ऐसा उन्होंने, जो भी वृद्ध या कोई भी साधु या संघ है आ गए तो एक क्षेत्र की जवाबदारी बनती है कि उनका प्रबंध करें, व्यवस्था करें, तो उसमें उतना अंतर किया। ये गुरुवर का दूरदर्शी सोच है और शास्त्रोक्त भी है। तो ऐसा ये संस्मरण एक कुंडलपुर में बना। पन्नालाल पंडित जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कुंडलपुर में जब उन्होंने गुरुवर के स्वभाव को देखा। पहाड़ पर, पर्वत राज पर गुरुदेव विराजमान थे। पन्नालाल पंडित जी साहित्याचारी सागर वाले वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मंदिर में विराजमान आचार्य श्री को देखा, अर्घ चढ़ाया, दर्शन किए। आचार्य श्री उस समय कुछ लिख रहे थे, आचार्य श्री कुछ बोले नहीं और यूं हाथ करके फिर लिखने लगे। थोड़ी देर बैठे पंडित जी। पंडित जी ने सोचा कुछ आचार्य श्री कहेंगे, आचार्य श्री कुछ बोले नहीं। पंडित जी ने फिर नमोस्तु किया, आचार्य ने ऐसा हाथ कर दिया, फिर लिखने लगे। अब पंडित जी ने सोचा कि आचार्य श्री संकेत दे रहे हैं कि रुको, और बैठे रहे। फिर आचार्य श्री कुछ नहीं बोले तो पंडित जी को वंदना करनी थी, समय हो रहा था, नमोस्तु आचार्य श्री। फिर आचार्य श्री ने देखा ऐसा कर दिया, फिर लिखने लगे। पंडित जी को लगा कि कुछ बोल भी नहीं रहे और ऐसा लगता कि बैठने का संकेत कर रहे। पंडित जी समझ रहे बैठने का संकेत कर रहे और आचार्य श्री तो, अब जब समय बीत गया तो पंडित जी से रहा नहीं गया। पंडित जी धीरे से पूछने लगे, आचार्य श्री कुछ कहने का संकेत कर रहे कि बैठूं, मुझे आगे वंदना करनी है। तो आचार्य श्री कहने लगे, नहीं, आपने नमोस्तु किया, हमने आशीर्वाद दे दिया और अपना काम करने लगे। बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ऐसा भी स्वभाव, कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं। आचार्य श्री कहने लगे, पंडित जी मैंने बैठने का संकेत थोड़ी दिया, मैंने तो आशीर्वाद दिया और अपना काम शुरू कर दिया। ऐसे बड़े बड़े विद्वान ऐसे ही कार्यों से प्रभावित होते गए और पीछे लगते गए। एक बड़े विद्वान का चौका लग रहा था कुंडलपुर में, रोज स्वाध्याय में बैठता था, चर्चा करता था, आचार्य से भी खूब समय देते थे, लेकिन उसके यहां आहार नहीं हो रहा था, आहार नहीं हो पा रहा था, बेचैनी बढ़ गई। तो एक दिन आकर के दोपहर को कहता है, चर्चा करते करते कहता, गुरुदेव आपकी आंखों में तकलीफ का समाचार मिला था, सिर दर्द हो रहा है, किसी डॉक्टर ने कुछ चश्मा वगैरह के बारे में चर्चा किया, ऐसा हमने सुना है। तो वो कहने लगा, गुरुदेव मुझे तो आपकी इरियापथ शुद्धि पर संदेह हो रहा है। इरियापथ वो कहलाती है जो मुनि महाराज देख करके चलते हैं और दिखाई बराबर दे और देख देख करके चले, ये इरियापथ मानी जाती है, इरियापथ शुद्धि देख करके चलना। तो क्या कहता विद्वान अपनी भाषा में कि गुरुदेव
मुझे तो आपकी ईरिया पथ पर संदेह हो रहा है, ठीक है कि नहीं है। अब इतना बड़ा विद्वान रोज धर्म की चर्चा करे और वो ऐसी बात कहे, आचर्षि क्यों, क्या कैसे आपको लगा, बराबर सब दिखता है, मैं तो अच्छे से चलता हूं। नहीं नहीं गुरुदेव, आपकी ईरिया पथ पर तो मुझे संदेह होता है। क्या कहता, मैं 5 फुट का खड़ा होकर के रोज बुलाता हूँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, और मैं 5 फीट का आपको नहीं देख पाता हूँ पड़गाहन के समय, तो फिर आपको छोटे मोटे कीड़े मकोड़े क्या दिखते होंगे। आचार्य श्री को हंसी आ गई, अरे बहुत गजब की बात करी इसने तो। एक आध दो दिन के बाद में उसके यहाँ योग बना, आचार्य श्री का पड़गाहन हुआ, आहार अच्छे से संपन्न हुआ, वापस आकर के बैठे, वो भी बहुत खुश होकर के हाथ जोड़ करके बैठ गया। आचार्य श्री ने देख करके कहा, क्यों ईरिया प्रसिद्धि बराबर है ना। बोले गुरुदेव एकदम बढ़िया है, कोई चर्चा ही की जरूरत नहीं, एकदम बढ़िया है, आपकी ईरिया पद बहुत अच्छी है। दिख गया, मैं 5 फीट का नहीं दिख रहा हूं तो कीड़े मकोड़े क्या देखेंगे। तर्क उसका अच्छा था। इस तरीके के संस्मरण कुंडलपुर में ये लंबे समय तक चलते रहे, विद्वान आते रहे, चर्या देखते रहे, स्वाध्याय में बैठते रहे, आचार्य श्री की विधि, आचार्य श्री की व्यवस्था, आचार्य श्री का स्वाध्याय, चिंतन, प्रवचनों के लाभ से निरंतर प्रभावित होते गए। ऐसे ही करते करते आचार्य श्री का चतुर्मास बीत गया। 1977 के चतुर्मास में क्या मिला हम सबको, आचार्य कुंद कुंद महाराज के द्वारा रचित क्रीम अध्यात्म का सार, जो समय सार ग्रंथ है, उस ग्रंथ का स्वाध्याय गुरुबन ने किया, चिंतन मंथन भी किया और उनकी गाथाओं पर अनुवाद भी किया। कुंद कुंद का कुंदन इस नाम से गुरुबर ने समय सार का अनुवाद किया। समय सार अपनी जगह नाम है और कुंद कुंद का कुंदन, कुंदन यानी सोने में भी एक विशेष क्वालिटी जो होती है उसको कुंदन कहते हैं। कुंद कुंद का कुंदन मतलब कुंद कुंद का जो एक श्रेष्ठतम ग्रंथ है उसके अनुवाद को गुरुवर ने कुंद कुंद का कुंदन नाम दिया। और यह अनुवाद का कार्य भी गुरुवर का 26 अक्टूबर 1977 को संपन्न हुआ। अनुवाद का कार्य तो पहले से चल रहा होगा, यह हो सकता कि उसी समय शुरू किया होगा, लेकिन प्रशस्ति यह कहती है कि समापन की तारीख 26 अक्टूबर 1977 है, जो चतुर्मास के बीच में ही रही। समयसार ग्रंथ के संदर्भ में आप सभी को जानकारी होगी, प्राकृत भाषा का ग्रंथ है और इस ग्रंथ में अधिकार तो 9 है, एक तरह से अध्याय अधिकार जिसे कहते हैं, 9 अध्याय हैं और इन 9 अधिकारों अध्यायों में 415 गाथाएं हैं। कितनी गाथाएं, 415 गाथाएं हैं। जीवा जीवाधिकार 1, कर्तृकर्माधिकार 2, पुण्य पापाधिकार 3, आश्रव अधिकार 4, संबराधिकार 5, निर्जराधिकार 6, बंधाधिकार 7, मोक्षाधिकार 8 और अंतिम सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार 9वां अधिकार समयसार में है। अध्यात्म का ग्रंथ है, दार्शनिकता भी है और सैद्धांतिक विवेचना भी गाथाओं में आई है। ऐसे समयसार का पठन पाठन करते हुए गुरुवर ने चिंतन पूर्वक आचार्य श्री के चिंतन का क्रम ये बनता है। संग में हमने देखा कि जितनी गाथाओं का उनको अनुवाद करना होता है, दिन में समय मिला तो ठीक है, अन्यथा शाम को ग्रंथ पलट करके उतनी गाथाओं को पढ़ लिया देख लिया, पढ़ लिया देख लिया, 2-4 बार दोहरा लिया और बस ग्रंथ अलग। अब रात में उन सामायिक के बाद में उन गाथाओं का चिंतन चलता रहेगा और चिंतन करते 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 अपने स्मृति में, अपनी स्मृति में
पद्य बनते जाएंगे, सुबह फिर उनका लेखन कर लेंगे। ये गुरुवर का क्रम, दो गाथाएं, चार गाथाएं, दस गाथाएं, पांच गाथाएं, जितनी गाथाएं उनको उपयुक्त लगी उतनी ले ली, ग्रहण कर ली, और अब कोई जरूरत नहीं ग्रंथ की। उसी पर एक एक शब्द पर गहराई से विचार चिंतन करके भाव तो मालूम रहता ही है, ग्रंथों का हृदय तो मालूम रहता है, गाथाएं तो लगभग रटी हुई जैसी रहती हैं, पर विशेष रूप से करके ऐसा अनुवाद आचार्य श्री निरंतर करते रहे। आचार्य श्री ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है, और कुंद कुंद के कुंदन के रूप में अपनी सारी भावना प्रकट भी की है। कुंद कुंद स्वामी और गुरुवर ज्ञान सागर जी से संबंधित जो दो दोहे बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित हैं हम सबके बीच में, वो कुंडलपुर की ही देन है। इसी समय सार के अनुवाद में मंगल कामना के रूप में गुरुवर ने अनेक दोहे लिखे, उसमें से एक दोहा है, कुंद कुंद को नित नमु, हृदय कुंद खिल जाए, परम सुगंधित महक में जीवन मम घुल जाए। गुरुवर कुंद कुंद को याद करते हुए, कुंद कुंद को नित नमु, हृदय कुंद खिल जाए, जो हमारा हृदय अभी कुंद है वो खिल जाए, प्रफुल्लित हो जाए, और परम सुगंधित महक में, उसकी परम सुगंधि में, महक में जीवन मम घुल जाए, उसी गंध में सुगंध में हमारा जीवन भी घुल मिल जाए। ऐसी भावना भाते हुए आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी को याद किया है। कुंद कुंद स्वामी का नाम दिगंबर जैन परंपरा में बहुत बड़ी देन के रूप में याद किया जाता है। गुरुवर ज्ञान सागर जी को भी याद करते हुए गुरुवर ने लिखा, तरण ज्ञान सागर गुरु, अपन कहते हैं तरण विद्या सागर गुरु, अपन तो नकल कर रहे हैं, अपना बनाया हुआ थोड़ी है। गुरुवर ने अपने गुरुवर को लिखा है, तरण ज्ञान सागर गुरु, तारो मुझे ऋषिश, करुणा कर, करुणा करो, कर से दो आशीष। ये दोहा तो गुरुवर ने अपने गुरुवर को लिखा है, गुरुवर की संपदा पर, उनकी विरासत पर अपना अधिकार शिष्य के रूप में बनता है, हम लोगों ने उसको बदल लिया। उन्होंने अपने गुरुवर को याद किया, उसी दोहे को लेकर के हम लोग अपने गुरुवर को याद करने लगे, और तरणी विद्यासागर गुरु, तारो मुझे ऋषिश, करुणा कर, करुणा करो, कर से दो आशीष। ये दोहा भी समाज में बहुत प्रचलित है। प्रयोजन भी आचार्य श्री ने बताया है इसी अनुवाद में, समय सार का मैं करूं पद्यमयी अनुवाद, स्वयं अपनी लेखनी से लिखा है, समय सार का मैं करूं पद्यमयी अनुवाद, मात्र भावना मम रही मोह मिटे परमाद। मोह भी मिटे, परमाद यानी प्रमाद भी मिटे, मात्र भावना इस अनुवाद में मेरी यह रही है, और मैं भाव कर रहा हूं कि समय सार का मैं करूं पद्यमयी अनुवाद। ये भाव प्रकट किया, उद्देश्य भी बताया कि मेरी कामना, मेरी भावना केवल इस अनुवाद में इतनी है कि मेरा मोह का संस्कार टूटे, प्रमाद भी मेरे से निरंतर दूर रहे, ये भावना है। और ग्रंथ लेखन का रचना स्थान भी वही है जो पिछले दिन में, कल मैंने बताया था, श्रीधर केवली सिव गए कुंडल गिरी पे हर्ष, धारा बरसा योगुन चरणन में इस वर्ष, बड़े बाबा बड़ी कृपा की मुझ पे आदिश, पूर्ण हुई मम कामना पाकर जिन आशीष। यही पंक्तियां जो समण सुत्तम के अनुवाद जैन गीता में लिखी, चूंकि स्थान वही है तो प्रशस्ति भी वही बनेगी। और अंत में गुरुवर और याद करते हुए समय सार के अनुवाद में गुरु की स्मृति करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हे कुंद कुंद गुरु कुंदन रूप धारी। कैसे थे कुंद कुंद स्वामी, कुंदन रूप धारी है। परंपरा में आचार्य कुंद कुंद का महत्व बहुत ही महान है, और पश्चातवर्ती आचार्यों ने, श्रद्धालुओं ने इतना सम्मान दिया है कुंद कुंद स्वामी को
कि उनके नाम से दिगंबर परंपरा को मूल आमनाय के रूप में देख लिया। कुंद कुंद का नाम कहीं पर लिखा मिल जाए तो दिगंबर परंपरा ही सिद्ध होती है, ऐसा योगदान कुंद कुंद का, जिस समय श्वेतांबर दिगंबर मत में मत मतांतर हो रहे थे, श्वेत वस्त्रधारी अपने आप को मुनि और एक मोक्ष मार्गी के रूप में मान्यता दे रहे थे, उस समय निर्वस्त्र और निर्ग्रंथता पर जोर दे करके कुंद कुंद स्वामी ने लड़खड़ाती हुई परंपरा को संभाला। यही कारण है कि पश्चातवर्ती आचार्यों ने कुंद कुंद स्वामी के पूर्ववर्ती अनेक आचार्यों को भी सम्मान देते हुए, बहुमान देते हुए, उनका महत्व है, उनका योगदान है। कुंद कुंद के स्वामी के पहली भी दिगंबर परंपरा में आचार्यों का बड़ा महत्व है, वो सब मान्यता देते हुए कुंद कुंद को मूल संघ का संस्थापक, मूल आमनाय के कर्ता मान लिया गया। और इसलिए कुंद कुंद का नाम लिए बगैर, कुंद कुंद का प्रशस्ति में नाम लिखे बगैर दिगंबर जैन परंपरा प्रामाणिक ही नहीं बनेगी। ये महत्व कुंद कुंद का है। इसलिए मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोगणी के बाद में मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम कह दिया गया। गुरुवर ऐसी ही स्मृति करते हुए महत्व समझते हुए कह रहे हैं कि हे कुंद कुंद गुरु कुंदन रूपधारी, स्वीकार हो कृति तुम्हें, कृति है तुम्हारी, स्वीकार हो कृति तुम्हें, कृति है तुम्हारी, दो ज्ञान सागर गुरु मुझको सुविद्या। अपने गुरु को याद किया, दो ज्ञान सागर गुरु मुझको सुविद्या, विद्या दिसागर बनू तज दूं अविद्या। मेरे गुरुवर, गुरुवर ज्ञान सागर जी आचर्षी भाव भा रहे हैं कि मुझे सुविद्या प्रदान करो। सुविद्या तो प्रदान की ही है, सुविद्या प्रदान नहीं की क्या? की है, फिर क्यों मांग रहे जब पहले ही मिल गई? अरे ये तो ऐसी अद्भुत निधियां होती हैं कि जितनी मिले उतनी कम है, और जितनी बार मिले उतनी बार भी कम है, बार बार मिले और बहुत ज्यादा मिले, ऐसी भावना भाते रहते हैं। तो हे कुंद कुंद गुरु कुंदन रूपधारी, स्वीकार हो कृति तुम्हें, कृति है तुम्हारी, हमारी थोड़ी है, हमने तो अनुवाद किया है, मूल कृति मूल रचना तो हे कुंद कुंद स्वामी आपकी है, तो आपको ही समर्पित करते हैं। दो ज्ञान सागर मुझ गुरु मुझको सुविद्या, विद्यादि सागर बनू तज दू अविद्या। ऐसा भाव गुरुवर ने अपनी अनुवाद की कृति में प्रकट किया है। ऐसे अनुवाद को लेकर के जब आचार्य श्री ने समाज के बीच में बात रखी तो सभी को अपार प्रसन्नता हुई कि कुंडलपुर के 77 के चातुर्मास में एक और अद्भुत रचना गुरुवर के कर कमलों से हम सभी को प्राप्त हुई है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल शहडोल